दोस्तों वैसे तो इस भारत में राजाओं द्वारा बनाए गए कई ऐसे किले हैं जो कोई ना कोई कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन किलों को भारत की शान कहा जाता है, लेकिन इनमें कुछ रहस्यमयी बातें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम भारत के ऐसे ही किलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने खुद अपनी ही रानी का सर काट दिया था। दोस्तों इन किलों के बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन किलों के बारे में। दोस्तों जानकारी के अनुसार ये किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी ही रानी का सर काट दिया था। इसके पीछे की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। किले का नाम रायसेन फोर्ट है, यानी कि रायसेन का किला। इस किले को सन 1200 में पहाड़ियों की चोटी पर बनाया गया था। इस किले का शानदार इतिहास रहा है, यहाँ राजाओं ने शासन किया है। इस किले पर जीत हासिल करने के लिए दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। कहते हैं कि 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी इस किले को नहीं जीत पाए थे। जब इस किले को जीतने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय राजा पूरणमल का शासन था। जब उनको पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने अपनी रानी रत्नावली को बचाने के लिए खुद उनका सर अपने हाथों से काट दिया था। इस किले की रहस्यमय एक कहानी भी है। कहते हैं कि इस किले के राजा रायसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को भी सोने में बदल सकता था। उस चमत्कारी पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए। जब राजा युद्ध हार गए तो उन्होंने उस पत्थर को किले के ही एक तालाब में फेंक दिया था। उस पत्थर को कई लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, पर कामयाब नहीं हो पाए। कहते हैं कि उस पत्थर की हिफाजत कोई अदृश्य शक्ति करती है। भारत को अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, जिनमें पाटक महल और किले देखने के लिए आते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर 50-60 लोगों का समूह किसी जगह को देखने के लिए आए और अचानक वहां से गायब हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। उत्तर प्रदेश के झांसी से कुछ 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़कुंडाल किला में, जो कि अपने आप में ही एक रहस्य है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य में किले के बारे में। 11वीं सदी में बना किला, जो कि 5 मंजिला है, 3 मंजिल ऊपर और जबकि 2 मंजिल जमीन के नीचे है। हालांकि ये किला कब बना और किसने बनवाया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि ये किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों और खंगाल जैसे कई शासकों का शासन रहा है। ये किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया एक नमूना है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। किला इस तरीके से बनवाया गया है कि ये 4-5 किलोमीटर से तो दिखता है, लेकिन नजदीक आते आते ये दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से ये किला दिखता है, अगर आप उसी रास्ते से आएंगे तो रास्ता किले की जगह कहीं और ही चला जाता है, जबकि किले के लिए दूसरा रास्ता है। गढ़कुंडाल किले की गिनती भारत के रहस्यमय किलों में होती है। आसपास के लोग बताते हैं कि बहुत समय पहले पास के गांव में यहां बारात आई थी। बारात यहां किले में घूमने आई और घूमते घूमते वो लोग तल घर में चले गए, जिसके बाद वो लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इन 50-60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई। इसके बाद यहां से नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। यह किला एक भूल भुलैया की तरह है। अगर जानकारी ना हो तो इस किले में ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, और अगर इस किले में ज्यादा अंदर चले जाते हो तो अंदर ही कहीं खो जाओगे और बाहर निकलने में मुश्किल होगी। किले के अंदर अंधेरा होने के कारण यह दिन में भी काफी डरावना लगता है। कहते हैं कि किले के अंदर खजाने का भी रहस्य छुपा हुआ है।
जिसे तलाशने के चक्कर में कई लोगों की जान चली गई है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि यहाँ के राजाओं के पास सोना चांदी हीरे जवाहरातों की कमी नहीं थी। यहाँ के खजाने को ढूंढने की कोशिश कई लोगों ने की, पर वो नाकाम रहे। भारत में बहुत सारे ऐसे किले हैं जिनके बारे में अभी तक लोग नहीं जानते। राजाओं के वक्त के किले जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं, वहीं कुछ किले ऐसे भी हैं जो किसी ना किसी वजह से बहुत मशहूर हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक किला है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसा किला है जो कि काफी रहस्यमय है। लोगों का कहना है कि इस किले में अज्ञात जगह पर करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया है। ये किला सुजानपुर किले के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बताया गया है कि इस किले में खजाना छुपा होने के कारण इस किले का नाम खजांची किला भी रखा गया है। इस किले को कटोच वंश के राजा अभय चंद ने 1758 में बनवाया था। उसके बाद यहाँ राजा संसार चंद ने राज किया। कहा जाता है कि यहाँ आज भी राजा संसार चंद का खजाना मौजूद है, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है और ना ही कोई व्यक्ति उस खजाने तक पहुंच पाया है। ऐसा माना जाता है कि किले के अंदर ही 1.5 किलोमीटर की सुरंग है, लेकिन इस सुरंग के अंतिम छोर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। रास्ता कठिन और अंधेरा होने के कारण इस सुरंग में 100 मीटर से ज्यादा अंदर तक जाने की कोई सोचता भी नहीं है और ना ही जाने की हिम्मत करता है। आसपास में रहने वाले लोगों का कहना है कि रात में किले के अंदर से अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। उनका मानना है कि खजाने की रक्षा उस किले में मौजूद रूहानी ताकतें करती हैं, लेकिन इसका पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि राजा संसार चंद इस किले का उपयोग लूटे हुए खजाने के लिए करते थे। इसी के लिए उन्होंने इस किले में एक गुप्त सुरंग का निर्माण भी करवाया था जिसका रास्ता सीधे खजाने तक जाकर खुलता था। यहाँ छुपे खजाने की खोज में मुगलों सहित कई राजा महाराजा और यहाँ के लोगों ने इस किले में खुदाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि वो उस रहस्यमय सुरंग में जाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कहते हैं कि खजाने का रहस्य राजा संसार चंद के मरने के साथ ही दफन हो गया। यहाँ तक कि उनके परिवार में भी किसी को आज तक वो खजाना नहीं मिला। भारत में अभी भी कई ऐसे किले मौजूद हैं जो किसी ना किसी वजह से प्रसिद्ध हैं। कुछ किले अपने रहस्य के लिए जाने जाते हैं तो कुछ किले अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, और बहुत से किले ऐसे भी हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसा ही एक किला बिहार के रोहतक जिले में भी है जिसे शेरगढ़ किला कहा जाता है। अफगान शासक शेरशाह सूरी के इस किले में भी सैकड़ों तहखाने और सुरंगें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चला। इस किले के कई रहस्यमय कहानियां हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित इस किले की संरचना अन्य किलों से बिल्कुल अलग है। इसे इस तरह से बनवाया गया है कि कोई भी इस किले को बाहर से नहीं देख सकता। किला तीन तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है जबकि दुर्गावती नदी इसके एक तरफ से बहती है। किले में प्रवेश करने के लिए एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि अगर ये सुरंगें बंद हो जाती हैं तो किला किसी को दिखाई नहीं देता है। यहाँ बनवाए गए सैलूज के बारे में कहा जाता है कि ये इतने बड़े हैं, इनमें 10,000 लोग एक साथ आ सकते हैं। ये किला शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहाँ रहता था। यहाँ उनके लिए सुरक्षा से लेकर हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी। इस किले को इस तरह से बनवाया गया है कि कोई भी दुश्मन 10 किलोमीटर दूर भी रहे तो उसे आते समय स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस किले में मुगलों ने शेरशाह सूरी और उनके परिवार और हजारों सैनिकों को मार डाला था। यह किला 1540 और 1545 के बीच में बनवाया गया था।
यहां सैकड़ों सुरंगें बनाई गई थीं ताकि मुसीबत के समय में इन सुरंगों से बचकर निकला जा सके। ऐसा कहा जाता है कि इन सुरंगों का रहस्य केवल शेरशाह सूरी और उनके विश्वसनीय सैनिक जानते थे। इस किले से केवल एक सुरंग रोहतक गढ़ किले तक जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि दूसरी सुरंग कहाँ जाती है। शेरशाह सूरी का बेस्ट कीमती खजाना भी इस किले में छुपा हुआ है, लेकिन वह आज तक किसी को नहीं मिला। सुरंगों और तहखानों का नेटवर्क किले में इस तरह से फैला हुआ है कि अभी भी लोग अंदर जाने से डरते हैं।